to Lake Tahoe. This is the final destination of our massive 5,500 kilometer long USA West Coast road trip. And what a place to end it. If you guys don't know, we have been road tripping, covering all the best places on the American West Coast. And each and every place was honestly out of this world. More than the cities and the urban life, US has such a diverse and breathtaking natural landscape. And Lake Tahoe is an amalgamation of all the best elements this country has to offer. Lakes, rivers, mountains, forest, beaches, with all the urban comforts. Reaching this place was very difficult as we were caught and stuck in a snowstorm, but it was totally worth it. All details coming up in this video, so put on your headphones and let's get this video started. Good morning and welcome to Lake Tahoe. What a place, what a setting. Puri raat snow hua hai kal, hamari puri gaadi snow ke andar. It's like pura ek snow ka carpet hai yahan pe. And it's so beautiful, like pura winter wonderland vibes hai. Kal ka drive was insane, okay? Kal hum log Yosemite se yahan pe drive kar aaye. Man, itna difficult drive maine apne life mein nahi kiya hai. First of all, ek snow warning to tha before we started leaving for Lake Tahoe. बट इतना सो एक्सपेक्टेड नहीं था. इनफैक्ट जो रोड से हम लोग आए आज बंद कर दिया है. ओके, देयर वाज अ पॉइंट इन द ड्राइव जब वहाँ पे अटक गए थे. ओके, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है स्नो में अटक गई थी, आगे जा ही नहीं रही थी. वो टाइम पे आई डोंट हैव एनी वीडियोस, बट वहाँ पे पूरे पास पे रेस्क्यू वर्कर्स रहते हैं, पीपल टू टो योर कार रहते ही हैं, घूमते ही रहते हैं. इमेजिन इमरजेंसी रिस्पॉन्डेंट्स भी थे वहाँ पे. ओके, जस्ट इन केस समथिंग हैपेंस. सो गाड़ी टो हुई हमारी, थोड़ी टो हुई मतलब जस्ट टुक अस आउट ऑफ द स्नो एंड अगेन वी वर ऑन द रोड. बट पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया, काफ़ी डार्क हो गया था एंड ऑनेस्टली रोड दिखाई नहीं दे रहा था, काफ़ी स्केची हो गया. बहुत टाइम के बाद आई हैव बीन इन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेस. नॉर्मली आई एम वेरी काम एंड कंपोज इन सच सिचुएशंस, बट डेफिनेटली स्नो में चलाना वॉज डिफिकल्ट. लर्निंग एक्सपीरियंस था पूरा. गाड़ी हमारी टेक्निकली फोर व्हील ड्राइव होनी चाहिए थी, पूरी गाड़ी पे भी लिखा हुआ है, मैनुअल में भी लिखा हुआ है, बट समहाउ द फोर व्हील ड्राइव सिस्टम वॉज नॉट वर्किंग. तो उसकी वजह से वी गॉट स्टक, अदरवाइज इट शुड नॉट बीन अ प्रॉब्लम. इनफैक्ट जगह जगह पे ये लोग चेक करते हैं कि आइदर तुम्हारे पास फोर व्हील ड्राइव है तो ही रस्ते से आगे जा पाओगे. सो दैट हैपेंड एंड रात को जैसे तैसे करके पहुँचे. पहुँचने के बाद चेक इन किया इनटू दिस क्यूट लिटिल हाउस. मैन इतना अच्छा है. लिविंग रूम है, किचन है, अपस्टेज यूनिट है, डाउनस्टेज है. वेरी नाइस, लाइक विंटर में प्रॉपरली कैसे घर होते हैं यहाँ पे, क्लासिकल अमेरिकन होम्स ऑन द लेक. बहुत अच्छा घर है. एंड चेक इन करने के बाद हम लोग, इट वाज ऑलमोस्ट 6:37, यहाँ पे सब बहुत जल्दी बंद हो जाता है. वी फाउंड दिस क्यूट लिटिल प्लेस जहाँ पे हम लोग गए, बैठे वहाँ पे, चिल किया. इमेजिन हमारा बारटेंडर जो था, ही लिव्ड इन अमृतसर द गोल्डन टेम्पल फॉर 3 to 4 years. वहाँ पे रहा है, वो सेवा किया उसने 3 to 4 years. वो अमृतसर से वहाँ पे 3-4 साल रहा है. अभी हम लोग को यहाँ से छोटे से बार में, छोटे से टैवर्न में मिला हम लोग को. व्हाट आर द चांसेस एंड सो मच फन टॉकिंग टू, मज़ा आ गया. एनीवेज, बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है. यहाँ पे लुक एट द स्नो, एंजॉय, लुक एट द शॉट्स ऑफ द स्नो. बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा खुल गया है अभी. ओके, वो साइड पे एंड स्नो में तो लेक बहुत अच्छा लग रहा है. समुद्र में भी अच्छा लगता है बट स्नो में इसका ब्यूटी और अलग है. तो लेट मी शो यू लेक टाहो, थोड़े शॉर्ट्स दिखाता हूँ, छोटा सा वीडियो रखेंगे. बिकॉज ऑनेस्टली आफ्टर दैट ड्राइव आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड एंड वी कमिंग टू द एंड ऑफ आर ट्रिप. हम लोग कल जा रहे हैं वापस सैन फ्रांसिस्को टू टेक आर फ्लाइट बैक. सो आई एम जस्ट गोना चिल, एंजॉय सम फ्यू शॉट्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा. सो आई एम जस्ट गोना लेज अराउंड ऑन लेक टाहो एंड दैट इज़ व्हाट यू डू इन लेक टाहो. ओके, लेक टाहो बड़ा सा लेक है, चारों तरफ प्रोमिनाड है. पिक एन एयरबीएनबी, पिक अ होटल, आराम से पड़े रहो, चिल करो, स्विमिंग के लिए जाओ, कनोइंग के लिए जाओ, कायाकिंग के लिए जाओ. And that is what we're going to be doing, just chilling around. And that is what you guys should do as well. Anyways, yahan se nikalte hain. Let me take you to Lake Tahoe. Chalo. Hey guys, welcome to Incline Beach. हमारे घर से कुछ 10 मिनट ड्राइव अवे दिस इज ब्यूटिफुल पब्लिक बीच. ओके, पूरा स्नो पे स्नो भरा हुआ है.
एंड ये पब्लिक बीच है, एंट्रेंस इज फ्री, पार्किंग है, बारबेक्यू के लिए जगह है, बेंचेस है, ट्रैश कैन से अच्छे से पियर्स है, वाटर इतना क्लियर है, जब सन गिरता है वाटर के ऊपर, मैन द ब्लू शेड, आई लिव फॉर दैट, वो ब्लू देखने के लिए ना इतना अच्छा लगता है मुझे. एंड द बीच इज़ वेरी नाइस एंड बिकॉज ऑफ विंटर लिटरली नो वन इज अराउंड, हम लोग एक या दो जन हैं, चिल कर रहे हैं हम लोग, एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. सो हम लोग रुक रहे हैं इन द नॉर्थ साइड ऑफ द लेक इन नियर अ टाउन कॉल्ड इंक्लाइन विलेज. ओके, साउथ भी है एंड द मोस्ट पॉपुलर इज टाहो सिटी, बेसिकली लेक टाहो का जो मेन सिटी है दैट इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द लेक, बट दिस इज ऑल्सो नाइस, मतलब एयर व्यू में यहाँ का अच्छा लगा, तो यहाँ पर रुके हैं. एंड मैन जस्ट लुक एट द वाइब, लुक एट द ड्रोन शॉट दैट आई गॉट, ठंड बहुत है, ओके इट्स -3 राइट नाउ बट इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल. ओके, ये लेक लग ही नहीं रहा है, ओके मुझे तो ओशन ही लग रहा है, दूर दूर तक लैंड दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ डिस्टेंस में माउंटेंस लग रहे हैं. इट इज़ ऑनेस्ट लुकिंग लाइक एन ओशन एंड समर में भी ये यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है. ओके, सो नॉर्मली पीपल फ्रॉम सैन फ्रान, लॉस एंजलिस, दे हैव देयर समर होम्स हियर. ओके, यहाँ पे पूरा एक रास्ता है जहाँ यू कैन सी लाइक रियली पॉश, रियली नाइस हाउसेज एंड सीम्स लाइक अ वेकेशन स्पॉट. ओके, इट्स मेड फॉर वेकेशनिंग, लाइक समर में तो यहाँ पे स्विमिंग होता है, कॉम्पिटिशन होती है, बहुत कुछ होता है, वेरी हैपनिंग प्लेस. विंटर में ये वाइब इन्जॉय करने को मिल रहा है, होपफुली कभी समर में भी आएंगे. ओके, सो दिस इज़ इंक्लाइन बीच. उसके बाद एक और जगह है, अगेन वेरी बैड विथ नेम्स, तो वहाँ पर आगे इट्स लाइक 10-15 minutes ड्राइव फ्रॉम हियर, तो चलो वहाँ से भी व्यूज़ दिखाते हैं आगे एंड यहाँ के भी थोड़े शॉट दिखाता हूँ. चलो गाइज, सो विद दैट कम टू द एंड ऑफ टू ब्यूटिफुल डेज इन लेक टाहो. परफेक्ट प्लेस टू से गुड बाई टू द US. कल हमारा फ्लाइट है, वे ड्राइविंग फ्रॉम लेक टाहो टू सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से हमारा बैक फ्लाइट है बैक होम, सैन फ्रांसिस्को टू इस्तानबुल, इस्तानबुल टू मुंबई. एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वे टू से गुड बाई टू द US. लाइक द सन इज सेटिंग ऑन माई लेफ्ट, नाइस एंड कोल्ड, -4 degrees, एंड यू कम टू सैंड हार्बर बीच. मतलब मेरी लाइफ में मैंने सैंड बीच के ऊपर स्नो कहीं पे नहीं देखा है. इट्स इनसेन टू थिंक कि यहाँ पे सैंड के ऊपर इतना सारा स्नो हो रहा है एंड स्टिल देर इज़ अ बीच. लुक एट दिस, प्रॉपर बीच वाइव्स है यहाँ पे. प्रिया देखो यहाँ पे प्रॉपरली चिल कर रही है. दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट थोड़ा ये शूटिंग फिनिश करके जस्ट सिट, एन्जॉय द प्लेस, टेक इट ऑल इन, इट्स लास्ट डे इन द US. आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट वे टू से गुड बाय. बहुत मज़ा आया मैन, एंटायर ट्रिप वॉज सो अमेजिंग. इतना कुछ देखने को मिला, इतने सारे लैंडस्केप्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट फॉर मी, मुझे बहुत मज़ा आया. एंड आई थिंक वी ओनली स्क्रैच द सर्फेस ऑफ द कंट्री, बहुत कुछ बाकी है. मेरे हिसाब से US घूमने में कम से कम 5-6 trips लग जाएगी प्रॉपरली, अच्छे से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिले वो लेवल तक घूमने के लिए 5-6 trips लग ही जाएगी. सो या इसके वीडियोज़, आई थिंक इज द लास्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना दूंगा हाउ टू ट्रैवल US, US वीज़ा के बारे में, अ लॉट ऑफ यू विल बी आस्किंग आई एम श्योर, तो उसके बारे में थोड़े वीडियोज़ बना दूंगा. एंड या थोड़े इन लास्ट के थोड़े शॉट्स एन्जॉय करो. मैं इनका ड्रोन शॉट्स मुझे मिले यहाँ पे, बहुत अच्छे थे, लाइक बहुत मज़ा आया यहाँ पे ड्रोन फ्लाइट लेने का भी. इफ़ यू गाइज नोटिस इन द एंटायर सीरीज ड्रोन शॉट्स थोड़े डिफरेंट थे, बिकॉज US में आई गॉट अ न्यू ड्रोन, आई गॉट द DJI Mini 3 Pro. पुराना वाला स्पार्क मैंने निकाल दिया, बेच दिया. एंड वन ऑफ यू ओनली, वन ऑफ यू सब्सक्राइबर्स ही थे इंस्टाग्राम पे, कॉन्टैक्टेड एंड बेच दिया. आई गॉट अ न्यू ड्रोन, DJI Mini 3 Pro, बहुत अच्छे शॉट्स थे उसके भी. आई एम ऑल्सो प्लानिंग लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर ट्रिप्स इन द फ्यूचर, कि हम लोग सब लोग साथ में घूम सके. इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है
फॉर्म भरो, उसके बेसिक डिटेल्स भरो अपने, एंड यू विल बी अपडेटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप्स. यू गैस कैन कम एन्जॉय मेरे साथ, इसे मस्त मस्त जगह पे घूम सकते हैं. एवरीथिंग विल बी ऑल प्री प्लान, यू जस्ट हैव टू कम एन्जॉय. ऑल ऑफ अस विल हैव अ वेरी गुड टाइम. 10 to 15 लोगों का ग्रुप रहेगा, विल बी लॉट ऑफ फन. एनी वेज दैट इज इट फॉर नाउ. लास्ट का बस सनसेट एन्जॉय करते हैं, लेक टाहो. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, कीप ऑन ट्रैवलिंग. आई विल सी यू गाइस वेरी सून.